हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए गोभी की नई रेसिपी। तो चलो गोभी अच्छे से काट लेते हैं, काट के धो लेते हैं इसे। और काटते समय देख लेना, आजकल गोभी में कीड़े बहुत आ रहे हैं। सारे गोभी अच्छे से मैंने काट लिए हैं और इसे साइड में रख दिया। अब मिर्ची काट के अलग रख लेते हैं। हमारी मिर्च भी कट गई है। अब हम गैस पे एक फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी रखेंगे, इसमें 5 मिनट के लिए गोभी को डाल देंगे। इस पानी में इस वजह से डालते हैं कि अगर इसमें बाई दफ़ा एक दो कीड़े भी होंगे तो निकल जाएंगे गर्म पानी में। अब एक तरफ हम सारे भिंडी भी काट लेंगे, एक तरफ सारी भिंडी भी काट लेंगे हम। एक एक करके भिंडी काट के रख लेंगे साइड में। भिंडी हमारी कट गई है। अब गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसमें मेथी दाना और जीरा डालेंगे। अब जो गोभी काट रखा था और धो लिया था, गोभी डालेंगे इसमें। गोभी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आज हम गोभी का अलग तरह से सब्जी बना रहे हैं। एक तरफ फ्राई पैन में भिंडी भी चौक लेंगे। भिंडी के लिए बस जीरे से ही चौकन लगाएंगे। और इसमें मैंने नमक डाला है और हल्दी और धनिया, मिर्ची पाउडर। हमारी गोभी अच्छे से फ्राई हो गया। इसमें हम टमाटर डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च और सारे मसाले डाल दिए, जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा पानी डालेंगे, अब हींग डालेंगे और थोड़ा सा चीनी डालेंगे इसमें गोभी वाले सब्ज़ी में। चीनी से स्वाद भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। आप सब ऐसे बनाएं, गोभी बहुत स्वाद बनती है। और मिर्ची भी फ्राई कर लेंगे। मिर्ची के लिए मैंने जीरा डाला है और मिर्च डाल दिया और इसमें भी धनिया और हल्दी नमक डाला। हमारे मिर्ची चपोरे भी बन के तैयार है। अब हम बनाएंगे रोटियां। आज हम रोटी भी अलग तरीके से बनाएंगे आप लोगों के लिए। प्लीज़ पसंद आए तो आप लोग भी बनाना, बहुत अच्छे से अच्छा बनता है। पहले ही आटा गूंथ के रख लिया था हमने। अब रोटी बेल लिया है, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच घी डालेंगे। अब इसे दोनों को मिक्स करके चारों तरफ फैला लेंगे और इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके एक पराठे से बनाएंगे। अब तवा पे पराठे को डाल देंगे और दोनों तरफ से सेक के घी लगाएंगे।
हमारा पराठा सिक के तैयार है और अब हम थाली लगाएंगे। थाली में मैंने घी दही रखा है, सब्जी और भिंडी जो बनाया था हमने, और मिर्ची, दो चार खीरे भी रख देंगे और जो हमने पराठे सेका था वो। देखो हमारी थाली लग के तैयार है, आप एंजॉय करें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब